आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गई राम रहीम की राजदार हनीप्रीत। हनीप्रीत की गिरफ्तारी से अब खुलेंगे राम रहीम के कई बड़े राज। पिछले करीब 38 दिनों से फरार चल रही राम रहीम की मुंह बोली बेटी हनीप्रीत आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ ही गई। खबर के मुताबिक हनीप्रीत को जीरकपुर में पटियाला रोड से गिरफ्तार किया गया। उसके साथ एक और महिला को भी पुलिस ने पकड़ा है। पुलिस फिलहाल उससे पंचकुला हिंसा के सिलसिले में पूछताछ कर रही है। खबर है कि हनीप्रीत को कल कोर्ट में पेश किया जाएगा। जाहिर है हनीप्रीत की गिरफ्तारी से राम रहीम के कई बड़े राजों से पर्दा उठ सकता है। राम रहीम की सबसे करीबी और डेरा सच्चा सौदा में नंबर दो की हैसियत रखने वाली हनीप्रीत की गिरफ्तारी से गुरमीत के कई बड़े राज दुनिया के सामने आ सकते हैं। कहा जाता है कि हनीप्रीत के इशारे पर ही डेरा में सारे काम होते थे। बताया जाता है कि हनीप्रीत जब सिरसा डेरा से निकली तो अपने साथ लैपटॉप मोबाइल और डायरी साथ ले गई थी। खबर है कि हनीप्रीत जिस लैपटॉप मोबाइल और डायरी को अपने साथ ले गई थी उसमें राम रहीम के कई भयानक राज दफन हैं। कहा जा रहा है कि राम रहीम के लैपटॉप में कई बड़े नेताओं की कॉल रिकॉर्डिंग मौजूद है। साथ ही राम रहीम की डायरी में अहम फोन नंबर और रुपयों के लेन देन की पूरी डिटेल और नेताओं से मीटिंग और फंड लेने की जानकारी भी है। राम रहीम के ये राज पुलिस के काम आ सकते हैं। हालांकि इससे पहले न्यूज चैनल्स पर दिख चुकी हनीप्रीत अपने ऊपर लगे कई आरोपों का जवाब दे चुकी हैं, लेकिन अब पुलिस अपने तरीके से उससे पूछताछ करेगी। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि राम रहीम की ये चहेती अपने पापा के किन किन राजों पर से पर्दा उठाती है। इंडिया न्यूज वायरल की रिपोर्ट।